दोस्तों मैं हूं आरजे आर्यन और आपको बताऊं कि आज सुबह सुबह जो हमारी सुबह हुई है वो जाई की खूबसूरत वादियों से हुई है। और मैं सिर्फ अकेला नहीं जागा हूं बल्कि आप देख सकते हो कि कितनी सारी जनता यहां पे जागी और सुबह स्पेशली आज योगा करने के लिए पहुंचे। तो आज इस इंटरनेशनल योगा डे को हम और ज़्यादा खास बनाने वाले, मैं नहीं बनाने वाला बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और एक्साइज डिपार्टमेंट जम्मू मिलकर बना रहे हैं, उनके सपोर्ट के साथ ये बन रहा है। और सबसे पहले तो डीसी सर विशेष पाल महाजन जी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। और मैं देखते रहता हूं सर, हर बार कुछ नया नया होता ही जा रहा है और इस इंटरनेशनल योगा डे को आपने और ज्यादा खास बना दिया। कोशिश करते रहना चाहिए, भद्रवाह से मुझे प्रेम ही बहुत है, तो मेरी हर कोशिश रहती है कि ये जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बेसिकली डिजर्व करता है वो मिले। तो आज इंटरनेशनल योगा डे था तो बड़ी देर से सोच रहे थे क्या किया जाए, योगा तो करना ही था, तो फिर डिसाइड हुआ जंगल में क्यों नहीं। तो जंगल में सबसे बेहतर कौन सी जगह, जाई, जाई कहाँ पे, भद्रवाह। तो इंटरनेशनल योगा डे एट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन फॉर द इंटरनेशनल पीपल। सर जिस तरीके से इस समय भद्रवाह में मैं देख रहा हूँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपने इन सभी टूरिस्ट को मोटिवेट कैसे किया कि आओ योगा करते हैं आप? मैंने जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जितने भी लोग थे, उनको बात की और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सबका कि दे एग्रीड एंड दे आर कमिंग ओवर हेयर एंड पार्टिसिपेटिंग। सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं है, स्कूल के बच्चे आप देख रहे हैं बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स, पुलिस, आर्मी, CRPF, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुझे लगता है आज जो हमने वासुदेव कुटुंबकम का मैसेज जो इस बारी इंटरनेशनल योगा डे का है, एक तो इसके ज़रिए वो देंगे, दूसरा स्वस्थ रहो, फिट रहो, नशे से दूर रहो, और तीसरा खुद ही फिट नहीं रहना, अपनी इन्वायरमेंट को भी फिट करना। देखिए इतने खूबसूरत इन्वायरमेंट में, इतने खूबसूरत जगह पे जब आप योग करेंगे तो मुझे लगता है इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। मैं जैसे कह रहा था बैक टू रूट्स, दिस इज़ द रूट फ्रॉम वेयर योगा इन माय ओपिनियन स्टार्टेड एंड वी शुड बी डूइंग इट ओवर हियर। सर बहुत से लोग ऐसे हैं आज जो आए हैं, इन्हें काम की शुरुआत के लिए एक दिन ही चाहिए होता है। मुझे लगता है आज बहुत से लोग जो हैं फ्रेश स्टार्टअप लेने वाले हैं, योगा के साथ खुद को जोड़ने वाले हैं, तो जिनका आज पहला स्टार्टअप है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? सच्ची बात बताऊं तो मैं भी स्टार्टअप में ही हूं तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि कोई भी उम्र, कोई भी वक्त लेट नहीं है, जब जागो तब सवेरा पहली बार। और योग ऐसी चीज़ है जिसको आप जब भी करें, जहाँ पे भी करें, ये आपको पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी आप में जनरेट करेगा और आपके थ्रू दूसरे लोगों में जनरेट करेगा। आज मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के योगा डे की जो सेलिब्रेशन है वो भद्रवाह से एक पॉजिटिव वेव पूरे हिंदुस्तान में भेजेगी और उसका जो इम्पैक्ट है हमें आने वाले दिनों में दिखता रहेगा। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम हमें देने के लिए। तो आपको बताऊं कि इस इंटरनेशनल योगा डे को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने और ज़्यादा खास बनाया, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी इसमें उतना ही अहम योगदान रहता है। मेरे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के SSP सर अब्दुल क्यूम सर। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो सर मैं देख रहा हूँ कि आज आप भी फुल ट्रैक सूट पहन के आए हैं, तो मुझे लगता है आज आप भी योगा करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे आपको पता आज इंटरनेशनल योगा डे है और हमारा जाई बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है, ये टूरिज्म डेस्टिनेशन है, तो ये पूरे फुली सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ से एक हम पैगाम देना चाहते हैं कि जितने भी टूरिस्ट हैं, चाहे वो फॉरेन के हैं, चाहे इंडिया के किसी कोने में आते हैं या हमारे UT के हैं, वो यहाँ आएँ, जाई में आएँ, जो शुद्ध वातावरण है उसको देखें और इंजॉय करें। सर समय मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में और भद्रवाह की स्पेशली बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन उनका ये यात्रा जो है, उनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जी हाँ, हमने हदायत दे रखी है कि बहुत ही जो साफ तरीके से जो टूरिस्ट को डील किया जाएगा, जहाँ जहाँ वो जाएंगे जिस भी डेस्टिनेशन पे, भद्रवाह पूरी तरह से हमने सिक्योर किया है, एरिया डोमिनेशन है, हर जगह हमारी प्रेजेंस है और पूरा पीसफुल है, और वो आए अपना एंजॉय करें विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थैंक यू सो मच सर। तो आपसे कहना चाहूँगा कि आपको एक अच्छी बात बताऊँ कि इन पहाड़ों में ना आपको रास्ते पे किनारों में ना डस्टबिन भी मिलेंगे, अगर कोई यहाँ पे आ रहा है घूमने के लिए तो अपने साथ लिया हुआ प्लास्टिक भी आपको वापस लेकर जाना है, क्योंकि कल मैं देख रहा था कि सेना के जवान यहाँ पर खुद सफाई अभियान कर रहे थे और जनता कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही कर रही थी, तो लापरवाही नहीं करनी है, इन खूबसूरत पहाड़ों को ऐसे ही खूबसूरत रखना है। आगे और भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, फिलहाल तब तक जब सुनो टॉप सुनो।